everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So आज है day 3 of Atwa's wedding. तो उसके लिए vlog मैंने start किया, पर सोचा आपको ये भी दिखा दी चलूँ. ये कुछ gift hampers आए थे company की तरफ से, जिसमें कुछ खास था तो नहीं, but मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ. उसमें कुछ चीज़ें थी जो basically अक्सर watch वगैरह आती है, या फिर pens और pads वगैरह होते हैं. तो इसमें इस दफ़ा आया था keychain and wallet, जो कि काफ़ी अच्छा था. और साथ बैग्स के अंदर बैग थे, बैग के अंदर बैग थे. तो भाई वो निकालते जा रहे हैं और मैं कैप्चर कर रही हूँ, बट कुछ गिफ्ट नहीं निकल रहा था. तो एक ये वॉलेट था और साथ पेंस वगैरह थी. ये अक्सर आती रहती हैं कंपनी की तरफ से, मैंने सोचा आपको ये भी दिखाती हूँ. बट ये काफ़ी अच्छे बैग्स थे, या काम आ सकते हैं काफ़ी चीज़ों में. और ये सारे पेंस वगैरह थी साथ, जो कि मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे दे दें दिखाने के लिए व्लॉग में. इस कंपनी के हमें वॉल क्लॉक्स भी आ चुकी हैं, जो हमारे घर में लगी हुई भी हैं. मैं कभी दिखाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो, याद रहा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. इसके अलावा ये पैड थे और पेंस भी काफ़ी अच्छी थी. खैर आज के व्लॉग मैंने फतवेस वेडिंग का डे 3 बनाया है, जिसमें है मेहंदी लगाई की रस्म है, जो हम जाएंगे फातिमा के घर और सब वहाँ मेहंदी लगवाने वाले हैं. मेहंदी वाली को बुलाया हुआ है, मेहंदी आर्टिस्ट को, तो हम सब मेहंदी लगवाएंगे. तो आपके साथ वो सब शेयर करूँगी. वैसे आई एम नॉट अ मेहंदी पर्सन एट ऑल, बट शादी वगैरह में अच्छी लगती है. और जिस दिन फंक्शन में जाना था, उस दिन दोपहर की अपडेट है. मैंने अपने लिए बनाए थे सैंडविचेस दोपहर में, क्योंकि खाने में कुछ खास मेरी पसंद का नहीं बना था. तो ये सैंडविच का बैटर मैं रेडी रखती हूँ घर में, ऑल टाइम होता है. अगर कुछ किसी को नहीं खाना हो तो वो ये खा सकता है. तो ये चिकन और आलू का आप कुछ बना के रख सकते हैं, स्टोर कर लें तो बेस्ट रहता है. झटपट आपके 2 मिनट में सैंडविच रेडी हो गए. तो मैंने ये अपने लिए बनाया, बाकी सब भी खाना खा चुके थे. और उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस हुए, क्योंकि दावत में जाना था. और मैंने ड्रेस तो पहले से सोचा हुआ नहीं था, क्योंकि दावत अचानक से हमें आई थी तो कुछ डिसाइड नहीं था. बट मेरे पास बहुत अच्छा ड्रेस रखा हुआ था तो मैंने वो पहन लिया. बट मैं इससे पहले खाना खाऊंगी और फिर आपको ड्रेस दिखाती हूँ. अगर आपने मेरा बर्थडे वाला व्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा ये वाला ड्रेस, जो मेरी गिफ्ट में आया था मुझे बर्थडे गिफ्ट में. तो मैं आज वो पहनने वाली हूँ. मैंने ये अभी तक पहना नहीं था, ये फर्स्ट टाइम मैंने पहना. क्योंकि इसका थोड़ा सा कपड़ा जो था वो खद्दर टाइप का था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से मैं पहन नहीं पाई. बट मुझे इतनी ज़्यादा फील नहीं होती तो मैंने उस दिन ये पहन लिया, क्योंकि कुछ न्यू पहना था और मेरे पास ये रखा हुआ था. और ये स्टिच भी बहुत अच्छा हुआ है. तो ये पहन के मैं आपको आगे दिखाती हूँ. इसकी प्रेस वगैरह भी हो चुका है, बस अब मैं चेंज करने जाऊँगी. मेकअप भी मैं फिर स्टार्ट करती हूँ, बट इससे पहले मैं पीऊँगी ग्रीन टी, क्योंकि वो ज़रूरी है. एनर्जी भी आ जाती है और मेरी आदत है, तो एक ना पीऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आती. तो मैं ग्रीन टी बियर पी रही हूँ और मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई है. इसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी. मेकअप करते करते साथ मैं ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ. और मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दूँ जो मैं यूज़ करती हूँ. एक तो ये स्टेज लाइन का फिक्सर है, बहुत अच्छा है. मैं मेकअप में जब लिपस्टिक वगैरह आप लगाने से पहले ये कर लें तो बहुत अच्छा रहता है. और साथ ये है नो मेकअप किट बाय ग्लैम गर्ल, बहुत ज़बरदस्त और रीज़नेबल है. अगर आप नो मेकअप लुक चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है. मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 3-4 साल से. और यहाँ मैंने अपना नेल पेंट भी फ्रेश कर लिया है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, अब हम जाने लग रहे हैं. मैंने ज्वेलरी में थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी है मेटल की, मुझे बहुत पसंद है. बट मैं इस तरह के कोई फंक्शन होता है तो मैं ज़रूर पहनती हूँ चूड़ियाँ. वहाँ पहुँचे कुछ 7:30 बजे तक, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था और वहाँ फातिमा की मेहंदी स्टार्ट ही हुई थी और हम पहुँचे थे. काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी बट जल्दी ख़त्म हो गई थी काफ़ी, और बहुत ज़बरदस्त. Thank you.
चले गए थे, बाकी सब बैठे थे क्योंकि भाई हमें लेने आ गए थे, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो रहा था और हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। सो ये था। और फिर घर आके मैंने अपना कम्फी सा नाइट ड्रेस पहना और मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील किया, क्योंकि मेरे कपड़ा थोड़ा सा मैंने बताया मोटा था, तो मुझे बहुत गर्मी हो रही थी और मेरी मेहंदी का कलर भी इतना ज़बरदस्त आया था। सो या दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉय द व्लॉग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।